रहे फिक्र बस यही, कभी धूप सी कभी छाँव सी है लगे तू, चले हाथ को कभी थाम के कभी थाम के छोड़ दे रे नादान जिंदगी, तू कैसे कैसे देखना ये कैसा लग रहा है। लग तो ठीक रहा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है, फैब्रिक भी ठीक है। मुझे लगता है थोड़े से सितारे इसमें और ऐड करवा देते हैं, क्या ख्याल है? हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना है, साइमन की फाइनल डेट आ चुकी है। डोंट वरी डार्लिंग, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। मैं सोच रही हूँ उसकी एक्सेसरी फाइनल कर लेते हैं। ये प्यारा लग रहा है, ये ठीक है, और हाथ के लिए आई थिंक ये अच्छा लगेगा, ये ट्राई करो। मेरे हाथ इस काबिल कहाँ जनाब, ये तो आपके हाथ हैं जो इतने खूबसूरत हैं, दुनिया इनकी तारीफ करती है। देखो ये आम सा ब्रेसलेट हमारे हाथ में अपनी शान बढ़ा रहा है। तुम आम से पत्थर भी पहन लो तो तुम्हारे हाथ में हीरे जैसा लगता है। खैर ये तो बहुत मामूली है, और वो भी आर्टिफिशियल। ये हाथ आम नहीं है मेरी जान, ये हाथ बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि बहुत खास हैं। इन्हें कोई भी थाम ले ना तो छोड़ नहीं सकेगा। इस बात पे एक बच्चा तो बनती है। Thank you.
राख। खाना खाया इसने? गुड बॉय। अरे सुल्तान साहब, आज का दिन और आप यहां? बस मलिक साहब, बुराक की याद सता रही थी, इससे मिलने चला आया। अच्छा अच्छा, इससे मिलिए, ये मेरा नया चैम, अरबी नस्ल है, नायाब। आज तक कोई रेस नहीं हारा और अगली रेस में आपके बुराक को पहली बार यही हराएगा। रेस घोड़ा नहीं, घोड़ा चलाने वाला जीतता है मलिक साहब। अच्छा ये बात है, तो हो जाए मुकाबला आज और अभी। नहीं, आज रेस का दिन नहीं है। रेस का दिन नहीं है या फिर आपकी जीत का? इस एक्सरसाइज करवाओ। लगता है सुल्तान साहब डर गए हैं। सुल्तान को कोई हरा दे, ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। ट्रैक पे मिलते हैं। अनु, 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 प्लीज मुझे बचा लो। अलीजे, हम कभी भी ऐसे नहीं थे। He's crossing the limit. आज तक मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की और हमारे साहबजादे गाड़ी का एक्सीडेंट करके ले आए। खामोश क्यों, बोल क्यों नहीं रही कुछ? सरवर साहब, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि गैराज में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो सिर्फ ऑयल चेंज के लिए आज तक मैकेनिक के पास नहीं गई हैं। कभी बम्पर टूट जाता था, कभी हेडलाइट्स टूट जाती थी। आई थिंक यू फॉरगेटिंग। फॉरन मावर में, उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं तो एग्जैक्टली, आप तो किसी ना किसी को बचा रहे थे। इनफैक्ट जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई किसी ना किसी को बचा ही रहा होता है। पर जब मीरा साहब ज्यादा ये बात करता है तो आप यकीन नहीं करते। मैंने तो सोचा था कि तुम उसे समझाओगी, लेकिन तुम मैं उसे भी समझाऊंगी, पर लाइसेंस तो आपने ही बनवाया है ना सर्वर साहब। टू हेल विद द लाइसेंस अलीजे, आज ही लाइसेंस कैंसिल करवाते। खबरदार जो उसने गाड़ी को हाथ लगाया था। इस तरह ड्रास्टिकली डिसीजंस नहीं ले सकते हैं बच्चों के मामले में। अलीजा, ये ड्रास्टिक डिसीजन है। खुदा ना खासा चोट लग जाती, टांग टूट जाती उसकी, फिर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज छोटा हुआ है, कल बड़ा होगा, फिर क्या करोगी तुम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you.
सॉरी अब्बा, वो गलती हो गई। ये जो भी हुआ है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन ये भी मेरे साथ हर काम में होती है, इनको भी मिलनी चाहिए सजा। अभी से बात करो, हुप्पी है तुम्हारी। बेस्ट फ्रेंड्स भी तो हैं हम। तो ठीक है, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो 2 महीने के लिए तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। हाँ? ओके, ठीक है, जाओ भाई वो गाड़ी में से खील ले आओ, अम्मा के हाथ की बनी हुई, अम्मा के जज्बात की कदर नहीं, अम्मा ने इतने प्यार से बनाई थी, वो फूल में ले आओ भाई। क्या ही जरूरत है जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो पड़ोसियों को दे देते हैं। मतलब बच्चों से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आओ भाई चले। अच्छा रुको रुको, ये खीर अम्मा ने बनाई है? जी, वो भी अपने हाथों से। मुस्कुरा रहे, लगता है बच्चों को माफ कर दिया। वाह, क्या बात है, अम्मा के हाथ की खीर, मजा आया। तुम ऐसे लाए थे। इसे रखना, मैं शाम को आके खाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही फ्रिज में रख रही हूँ। हाँ बाय बाय। हमारी वजह से इतना नुकसान होता है, भैया के सामने ये झूठ बोलना पड़ा है ना तुम्हें, तो मैं बताऊंगी तो क्यों तुम शयान, रुक जाओ मैं कह रही हूँ। पकड़ के दिखाओ तुम तो बस चुप ही रहो, एक तुम और तुम्हारे बदमाश दोस्त, सारी उल्टी सीधी हरकतें तुम्हें उन्हीं से मिलती हैं। हर एक बात याद है, यूनिवर्सिटी मुझे तुमने ड्रॉप करना है। हाँ हाँ, वो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मिस सनी थैंक यू यार, अगर तुम बाबा से समझ ना करती ना, बाबा कभी ना मानते। ये तो सच है, रिश्वत लूंगी इसके लिए। लगते रेस हो रही है, आओ देखी। आपसे कहा था मलिक साहब, रेस घोड़ा है,
घोड़ा चलाने वाला जीतता। मलिक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रेस दो इंसानों के बीच में हुई थी, इंसान और जानवर के बीच में नहीं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे रह जाने वालों का हौसला बनिए। अलीज़े बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मा, कहिए। माँ हूं ना, फिक्र होती है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। आप तो हमेशा ही फिक्र करती हैं अम्मा। हर माँ को अपने बच्चों का तहफ्फुज़ और उनकी खुशी अजीज होती है। बेटा, जब तुम और सरवर शयान के बारे में उलझ रहे थे, मैं सुन रही थी। गलती शायान करता है, कसूरवार वो होता है, और कठहरे में मुझे खड़ा कर देते हैं सरवर साहब। बेटा, मर्द का ये आम रवैया है। औरत माँ हो या बीवी, उसे सख्त सुस्त सुननी ही पड़ती है। मैं भी तो इंसान हूं ना। सरवर साहब कुछ ज्यादा बोल देते हैं तो मेरे भी उसे कुछ निकल जाता है। तुमने ये सुना नहीं, एक चुप 100 को हराती है। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि सरवर कैसा शौहर है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं अम्मा। तो बेटा, जो शौहर अच्छा हो, तुमसे प्यार करता हो, उसकी कुछ कमजोरियों को इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छी बहू बेटियां घर को बनाती हैं, जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। अम्मा, आप एक बात तो बताएं, आप सरवर साहब की माँ है या मेरी माँ है? बेटा, हर वो घर जन्नत है जहाँ बहू और बेटी में फर्क ना समझा जाता। तुम मेरे लिए असरा की तरह हो, इसलिए बेटी समझकर समझाने चली आई। अम्मा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। जीती रहो। जब ऐसे आंखें बंद करता है तो लगता है सारा दुनिया इसके अंदर बंद हो गया, वक्त रुक गया है। वक्त को रुकना नहीं चाहिए, इसको मौत कहते हैं। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये कमरा तुम्हारे लिए कब्र है, मर चुका है तुम। जो हुआ अच्छा हुआ, उसने तो माफी का लफ्ज तक नहीं सीखा। हम जानते हैं चनार खान को, वरना आज सिर्फ एक लाश नहीं उठता। फिर तो मैं चाहती थी। अभी ढूंढो उसको जिधर भी है। दुश्मन को जितना वक्त देगा वो उतना मजबूत होता जाता।
औरत पानी उबाल नहीं रही, पका रही मुझे। तलीम, अरे कहाँ रह गई भाई? बस ला रही हूँ, मनान साहब ला रही हूँ। अगर ये गीजर खराब था तो पहले बताती, लापरवाही हर वक्त लापरवाही। ले आई बस ले आई। लाई में क्या, ट्रेन पे आ रही हो? आ गया पानी। अरे ये लीजिए, आ गया। खिदमत गुजारी के ढोंग ना रचाया करो, जाओ। और तौलिया भी नहीं है? अरे दे देती हूँ, वो भी दे देती हूँ। पहले नहीं ख्याल था? दे रही हूँ। ये ले। साफ है ना? हाँ। या अल्लाह। फिसल गया। अरे कोई है? दिल्ली उठाओ मुझे। अरे खुदा के वास्ते कोई सहारा दो, अरे कोई सहारा दो मुझे, उठाओ। अरे दिल्ली, अरे दल्लत बेगम का, अरे उठाओ मुझे, अरे कोई उठाए मुझे। क्या लग रहा था तुम्हें? मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है आंखों को। मुस्कुरा के देख रही थी तुम, और वो मुझे ये बता रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी। होता कौन है वो? मनन साहब आप जानते हैं, वो इरफान भाई हमारे किस्सा रूप जानता हूँ मैं। वो क्या हो गया? जल्दी आओ सारा, तो मुझे उठाओ। अरे खुदा का वास्ता आ जाओ कोई। आए दिमाग माफ हो गया था, समझ नहीं आ रहा था, मैं बदहवास हो गई थी, कुछ समझ नहीं आया मुझे। उठे उठा, जल्दी उठे ध्यान से। अरे ऐनक चप्पल पकड़ो, तेरी ये ले, ये चश्मा ले, चश्मा। अलीजे, 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 सॉरी। वैसे तो मीठा मना है आप, पर थोड़ा सा तो ले ही सकते हैं। बनता है। वाह। थैंक यू।
अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे रह जाने वालों का हौसला बनिए। हाय, हाय, आप मुझे बता सकती हैं सर इजाज का ऑफिस कहाँ है? सर इजाज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया? हाँ हाँ बिल्कुल वही, एग्जैक्टली। आई थिंक वो एडमिन में होंगे, वहाँ चेक कर लें आप। थैंक यू। वो क्यों नहीं जा रही? एक्सक्यूज मी, देख इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे बात पूछ सकती हूँ? श्योर। आप कुछ परेशान लग रही हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वेल आई थिंक आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी बात है, अगर मैं हेल्प ना कर सकी तो माजरत कर लूंगी, बताइए तो सही। ऐसा है तो फिर के असाइनमेंट सर इजाज नहीं दिया है, 2 दिन में कंप्लीट करना है और मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, टफ है। अरे ये तो मेरे पास घर पे तैयार पड़े। सर इजाज नहीं तो करवाया था, वो बहुत अच्छे टीचर है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको ला के दे देती हूँ। चेली हाँ, मेरे भाई को भी उन्होंने पढ़ाया है और उनकी रिकमेंडेशन पे ही तो मैं इस यूनिवर्सिटी में आई हूँ। एंड यू डोंट वरी, मैं ये असाइनमेंट आपको आपके घर पहुँचा दूंगी, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। नहीं नहीं जो कह, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने असाइनमेंट्स को कम्प्लीट करती हूँ, मैं कर लूंगी। अरे इतनी फॉर्मल होने वाली कौन सी बात है, इसी बहाने मुझे कोई दोस्त मिल जाएगी। मैं एक्चुअली न्यू इस यूनिवर्सिटी में, आज मेरे फर्स्ट डे है। ओके, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। हाला। ओके हाला, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आप श्योर लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे पहले भी देखा है? हाला बेटा, इस तरह किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, ना जाने कैसे लोग हों। ओहो अम्मी, वो डिफेंस में रहती है और देखने में भी वो एक अच्छी फैमिली से लगती है। अगर मैं आज किसी के काम आऊंगी तो कल को मेरे भी कोई काम आएगा ना। बेटा आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। अच्छा ना, आप बस मुझे कल के लिए गाड़ी दे दे प्लीज अम्मी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मिल जाएगी। रियली? थैंक यू। मुझे शायान, क्या सिंगर था ना? हाँ यार, सिंगर बहुत लगेगा। सिंगर नहीं, सिंगर कह रही हूँ, खाने के अलावा तो मैं कुछ सोचता नहीं। हाँ सिंगर भी अच्छा था। हाँ शाम लगता है बारिश होने वाली। ऐसी लग रहा है शायद बारिश हो रही है। शायान नहीं, शायान प्लीज छोटना भी मत अनु। शायान मुझे बारिश में खेलना है, तुम मेरे साथ चल रही हो या? मैं नहीं जा रहा। ओके फिर मैं जा रही हूँ। अनु बच्ची उठा पानी में खेलने नहीं जाना, तुम बैठो यहाँ पे, मैं तो जा रही। अनु Thank you.
माने ना माने ना दिल माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं जाने ये दिल जाने दिल ये प्यार तेरा नहीं जी मैडम जी असरा को बता दी उसकी दोस्त हाला उससे मिलने आई है ओके मैडम ठीक है अभी भेज दे Mr. Malik, it's been years you were working with me. आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सुल्तान ने आपका कोई डील प्रपोज की हो और आपको उसमें लॉस हुआ? Sir, please, you have to trust me on this. इस particular deal में आपका return on investment 200% से भी ज्यादा होगा. I can assure you. So the deal is locked. Thank you, sir. Thank you. मैं आपको प्रेजेंटेशन मेल करूं। सर, दिस इज द डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर। प्लीज हैव अ लुक एंड लेट मी नो इफ यू वांट एनी चेंजेस टू बी मेड। आप बैठे हैं, इट विल टेक टाइम। सर, वो दरअसल Actually, Saruba, you're working with a multinational company. Be mature. Be specific. क्या बात? Sir, actually, आज मेरी बर्थडे है and cafeteria में हम सारे colleagues celebrate कर रहे हैं. It would be an honor for me अगर आप भी हमें join कर लें. बेशक थोड़ी देर के लिए सही. Happy birthday. Thank you, sir. I'm sorry I won't be able to attend. I have some work to do. आप लोग कंटिन्यू करें। ऑलराइट सर। हाला, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हाल है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम आ गए हो। मुझे तो लगा था। तुम्हें लगा था मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, बट मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। मैं आपकी असाइनमेंट्स ले आई हूँ। I have fulfilled my promise. Here we go. Please बैठो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान, कैफेटेरिया में पूरा स्टाफ आ गया, आप क्यों नहीं आए? जी सर, मिस सरूबा आई थी मुझे बुलाने के लिए, but I'm a bit busy with this presentation. I know. आप बहुत वर्कहोलिक हैं, लेकिन स्टाफ की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने से ये इनकरेज होते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अस, वी आर वेटिंग। श्योर सर, आई एम कमिंग। ओह वाओ, अच्छा तुम हाई स्कूल से पढ़ी हो? हाँ, सिक्स स्टैंडर्ड तक। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे मैंने भी तुम्हें यहीं से मैट्रिक किया, तभी तो मैं सोच रही थी मैंने तुम्हें कहीं देखा है। Really? हाँ। किसका मतलब है कि हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए? Exactly. तभी मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था। सुनो, तुम्हें वो बबल गम याद है
जो हर वक्त रोती रहती थी और टीचर से डांट खाती थी। हाँ 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 याद आ गया याद आ गया। वो मोटा अनायत कितनी डांट पड़ती थी उसे और उसकी नाक हर वक्त बहती रहती थी। क्या याद करवा दिया। कितनी अच्छी वो अनायत अपने चाचा के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया है। हाँ ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? इस घर में मेरी अम्मी रहती हैं, मेरे अब्बा का कुछ टाइम पहले इंतकाल हो गया, और मेरे बड़े भैया, मेरी प्यारी भाभी और मेरा प्यारा दोस्त शयान। शयान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा नेफ्यू। वाह भाई मजे हैं तुम्हारे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, मेरे बड़े भाई। लेकिन मेरा घर तुम्हारे घर की तरह शानदार नहीं है। बस रहने भी दो, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। आओ तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। Sure. Thank you everyone. Thank you so much. अगर आप सबका खाना पीना और इस महान इंसान के पैदा होने की खुशी सेलिब्रेट हो गई हो तो हम लोग कुछ काम कर लें। Everyone, come on, get back to work. हाला से इतनी गहरी दोस्ती कब हो गई तुम्हारी? कंबाइंड स्टडीज हो रही हैं, हैंगआउट हो रहा है। भाभी आपको पता है हाला मेरी पुरानी दोस्त है, स्कूल से जानती हूँ मैं उसे, और उसके अलावा वो बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज भाभी मैं चली जाऊँ, मना मत कीजिएगा प्लीज। अरे तो मैं कब तुम्हें बाहर जाने से मना करती हूँ, जाओ घूमो फिरो, बस ख्याल से रहना। असरा याद आया, तुम्हें तो रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं यार आज। ओ वे भाभी मेरे बिल्कुल सहन से निकल गया। मेरे भी। अच्छा एक बात बताएं, वो जो लड़का है आपको नहीं लगता थोड़ा कम एजुकेटेड है? हाँ इंटर पास है आर्ट्स में। अंडरस्टैंड, क्या कर सकते हैं सर, तुम्हारे भाई ने देखा है, देख समझ के किया होगा। मतलब सेटल है लड़का, मतलब जत्ती पुश्ती अमीर है, खानदानी है, आई थिंक अच्छे ही होंगे। आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी भाभी इंटर पास। लेकिन अब पढ़ा तो सकते नहीं है ना उसको और आपके लिए। एक्चुअली हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे तुम इस घर में ऐश आराम से रहती हो ना, दूसरे घर जाके भी ऐसे ही रहो, हंसी खुशी, कभी कभी कोई तकलीफ ना हो तुम्हें। और मैं और तुम्हारे भाई मेक श्योर कर रहे हैं मेरी जान। जानती हूँ मैं, लेकिन कुछ भी करके इसे थोड़ा टाल नहीं सकते ना बाबा? मैं नहीं कर सकती ऐसा, तुम्हें पता है ना अम्मा को जानती हो तुम, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो हो के ही रहेगा। प्लीज कुछ करके जल्दी आ जाना यार। आई विल, लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाए ना तो प्लीज आप अम्मा को संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं ना अम्मा के गुस्से को आपके अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता। हाँ वो मैं देख लूंगी, जस्ट बी ऑन टाइम। ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, लाफेस। और हमेशा ये कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा ही तुम्हें थी याद है, सब कोई तुम ही थी। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ टूट पड़ो, सैंडविचेस भी आ गए। असल तुम भी लो ना। हम भी लो। हाँ यार हाला मुझे पानी चाहिए यार। पानी मैं जाके लेके आ। अरे रुको मैं लेकर आती हूँ, तुम आराम से खाओ। किचन कहाँ पे है? नीचे जाओ, इस साइड में। हाँ ओके, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। ओके ओके ओके। तुम सबने लिया यार? मुझे यार स्पून
स्पून से क्या खाओगी, ऐसे ही खा लो। और वैसे भी मैं नहीं जा रही है, मेरे घर में मासी नहीं, मुझे सब कुछ साफ करना। माने ना।